वेलकम ऑल ऑफ यू। जब इस वीडियो को देखेंगे तो गणित पर आपका नजरिया ही बदल जाएगा, आपको सब कुछ आसान लगेगा। आपको चौंकना ही पड़ेगा क्योंकि गणित इतना आसान है यह आपने कभी सोचा तक नहीं था। गणित कमजोर का अर्थ जो है वो ये नहीं होता है कि आपका दिमाग कमजोर है, बेसिक के विधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होना यही मेन कारण है। 100 छात्रों में से 95 छात्र अगर गणित में कमजोर हैं तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है। फिर से बोलता हूं, बेसिक कमजोर को कभी यह मत मानिए कि आपका दिमाग कमजोर है। केवल बेसिक के स्टेप्स जो होते हैं उनके बारे में सही रूप से ज्ञान नहीं होना, इसे आज हम प्रूफ करेंगे। इसलिए 6-7 मिनट की वीडियो पर बने रहें। बेसिक सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझने की बात होती है, ये ज़रूरी नहीं है। केवल स्टेप्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कब होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। बेसिक अगर आपका गड़बड़ है तो बेसिक सीखने के तरीके को बदलना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, गणित सीखने के तरीके में बदलाव लाना होगा, बस इतना ही तो आपको करना है। तरीके का बदला तो 15 दिन में गणित सुधर जा सकता है। सो सिंपल है यार, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये दशमलव का जोड़ है, हम प्रूफ के रूप में अभी आपके सामने एक एक्शन वीडियो से करेंगे। हो सकता है कि आपको दशमलव का जोड़ आता भी है या हो सकता है आपको दशमलव का जो नहीं आता है। एक्शन वीडियो आपको कैसे सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने जो पहला है 0.000009 को लिख दिया, फिर देखिए अब हमने 13.07 को उतारा, फिर हमने 0.0072 को उतारा, फिर देखेंगे आप 2379.0053 को उतारा। लेकिन देखिए हम एक सीधे में नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अलग अलग तरीके से सजा के लिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए 12.1608 को हमने दिया। अब जब हम करते हैं तो अब इसे जोड़ते हैं, तो इसमें पहला लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक है कि जब हम उतारेंगे दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यही लॉजिक है। अब देखिए हम 9 को जब जोड़ते हैं तो सीधी बात है 9 होगा, 8 के साथ 0 जोड़ेंगे तो सीधी बात है 8 ही होगा, जब हम 0 के साथ 0 जोड़ेंगे तो सीधी बात है 0 ही होगा, 0 के साथ फिर 0 जोड़ेंगे तो सीधी बात 0 ही होगा, फिर 2 के साथ 3 जोड़ेंगे तो सीधी बात है 5 होगा, फिर हम 7 और 5 जोड़ेंगे तो सीधी बात है 12 तो लिख नहीं सकते, एक चला जाएगा, हाथ हासिल हो जाएगा, और 7 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब देखिए हमने दशमलव को उतार दिया और फिर जो जोड़ा 24,2404 हुआ। तो आपने खाली यही समझा, इसमें जोड़ तो आपको आता है, लॉजिक केवल है जब भी जितना भी संख्या हो दशमलव के नीचे दशमलव लगा। तो इसमें जो मुझे कहना है आपसे वही है, इसमें दिमाग की ज़रूरत क्या है भाई? लिखते वक्त उतनी सावधानी है बस यही तो है। एक मिनट में तो जो दशमलव नहीं जोड़ सकते थे वो तो सीख गए ना, इसके लिए 20 मिनट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्शन वीडियो चाहिए होता है। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, समीकरण का ट्रांसपोज या पक्षांतर विधि, इसे सीखते हैं। तो चलिए हम एक पहले हम समीकरण को लेते हैं, x गुना 3/5 बराबर 10/3 है। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है x का मान निकालना, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से हमने लिखा, अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए नीचे के 5 को उठा के उधर ले दिया, गुना में दे दिया, और 3 को उठा के नीचे लेके गए। देखिए ऊपर वाला नीचे गया, नीचे वाला ऊपर गया, और इस तरह से x का मान आ गया। हमने 10 को 5 से गुना किया तो ऊपर का 50 हुआ, 3 को 3 से गुना किया तो नीचे 9 आया। चलिए इसको एक बार और समझते हैं, हमने क्या किया, नीचे के 5 को ऊपर लिया गुना में, ऊपर के 3 को नीचे लिया गुना में, और हमारा x का मान निकल गया 50/9। चलिए एक बार और करते हैं, हमने क्या किया था, वही 5 को हमने किया गुना में आ गया, नीचे था ऊपर चला गया, और 3 जो था ऊपर था नीचे चला गया,
और x बराबर 50/9 हो गया। तो बेसिक कमजोर का मतलब दिमाग कमजोर नहीं होता, इसमें कुछ लगा कुछ भी नहीं था ना, इसे आप बड़े आसानी से अभी कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। तो स्टेप्स यहां दो स्टेप्स थे, पांच कहां जाएगा, तीन कहां जाएगा, गुना वाला कैसा है, किस पोजीशन पे है, क्या होगा, यही तो जानना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये जब समीकरण सिखाया जाता है 10 मिनट की वीडियो बनती है, आपको उसमें शब्दों में उलझ जाते हैं, एक्शन होता हुआ जब देखते हैं तो एक्शन से आपको समझ में बढ़िया आता है। तो अगर आप कमजोर हैं, शब्दों के माया जाल को नहीं पकड़ पाते हैं, तो एनिमेटेड एक्शन वीडियो देखिए जिस पे गणित होता है, और फिर उसके साथ जो है रेलिवेंट प्रैक्टिस, मतलब जो स्टेप आपने किया उसी स्टेप पर कुछ और सवाल जिस पर आप खुद प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस में अगर गलती हो तो कोई आपको बता दे, और इससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अरे भैया 15 से 30 दिन के अंदर में ही बेसिक कंप्लीट होता है, तो फिर क्या चाहिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें शब्दों वाली वीडियो नहीं चाहिए, लेक्चर नहीं चाहिए, हमें एक्शन वीडियो चाहिए, एनिमेटेड एक्शन वीडियो। जो कमजोर छात्र हैं दिमाग में इसे छाप लें पहले, फिर प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, प्रैक्टिस करने का मटेरियल चाहिए, फिर कंटिन्यूटी बना रहे, जो पहले सीखे हैं दूसरा सीखते वक्त में पहला भूल नहीं जाए, हर दिन पीछे का किया हुआ साथ में चलना चाहिए, मतलब एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिस स्ट्रेटेजी के अंदर में आप 15 से 30 दिन के अंदर में सारी बेसिक सीख लेते हैं, सारा बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। और एक बात जानिएगा, ऐसे करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब आप एनिमेटेड में एक्शन देखते हैं तो आप भी लगता है अरे यार मैं भी तो इसे कर दूंगा, और फिर आप करने लगते हैं तो आपका साहस बढ़ने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, जिस गणित से आप भागते थे उस गणित से आप प्यार करने लगते हैं। तो बस सोच को बदलना होगा, सोच बदलने के लिए पहला क्या है, एनिमेटेड एक्शन वीडियो चाहिए होगा। अब पहले 10 ही अब बेसिक सीखिए ना, 10 बेसिक, उसके बाद आप शुरुआत करें गणित का, देखेंगे कितना आपकी हाथ में स्पीड आ गया, समझ में आ गया। इसके लिए बॉडमास सीखना होगा, फिर लॉसेस सीखना होगा, नहीं तो आप भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, फिर काटना होगा, इसमें तो पूरी आधी की आधी बेस ये है भाई, गणित है, कोई गणित ऐसा नहीं है कि जो कैलकुलेशन के बगैर होता है, और कैलकुलेशन है तो काटना पीटना होगा ही। फिर दशमलव का जोड़ घटाओ गुणा भाग, जैसे अभी जोड़ हमने सीखा, फिर भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग, फिर आपका घातांक और कर्णी, फिर है आपका प्रतिशत, भिन्न और दशमलव के बीच में आपस में संपर्क, प्रतिशत से भिन्न बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना, फिर समीकरण है, एक चर समीकरण, दो चर समीकरण, फिर बीजगणित फॉर्मूला है, फिर सरलीकरण का वर्ड प्रॉब्लम है। बस ये 10 जब सीख लेते हैं आप गणित में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ मुझे कहना फिर से है, एक्शन वीडियो होना ज़रूरी है, जो गणित में कमज़ोर है उन्हें एक्शन वीडियो होना ज़रूरी है। दूसरा है प्रैक्टिस सेट प्रॉपर चाहिए, फिर है कि एक एक्शन का स्ट्रेटेजी चाहिए, और इसके बारे में कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो डाउट क्लैरिटी भी तो थोड़ा चाहिए। तो मतलब आप कहीं पर भी बढ़ें, ये सारे चीज़ अगर होता है तो 100% गारंटी है कि आपका बेसिक जो वर्षों से फंसा हुआ है अब फंसा हुआ नहीं रहेगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे, उन सवालों को अगर जवाब चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप देखेंगे कि मझधार में पहुंचेंगे, तभी आपका चेहरा इस छात्रा की तरह दमक उठेगा। तो आपने समय दिया, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेरा एक्शन वीडियो, जिसको कहते हैं एनिमेटेड एक्शन वीडियो, वीडियो के ऊपर लिखा ही रहेगा, वहाँ से शुरू करते हैं। फिर तेल देखिए और तेल की धार देखिए। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।